कई सारे ऐसे जानवर हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। कुछ जानवरों से तो आप पहचान ही नहीं पाएंगे और कुछ तो पहचान तो जाएंगे लेकिन फिर भी आप गलत होंगे। आज के इस वीडियो में हम आपको 5 ऐसे ही जानवर से मिलवाने वाले हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। नंबर 5 पर आ जाता है आय। नहीं, नाम सुनकर भले ही अजीब लगेगा लेकिन आप जो जानवर आप स्क्रीन पर देख रहे हो इसका नाम है आय। भले ही लोगों को बहुत अजीब लगे कि ये कैसा नाम हुआ, दरअसल हम बता दें कि ये जानवर ही देखने में काफ़ी अजीब सा होता है। अगर हम इनकी बात करें तो एक प्रकार के लमूर होते हैं। हाँ, भले ही लमूर जैसे दिखते नहीं, बहुत से लोगों को ये पसंद नहीं होता, अफ्रीका में तो इन्हें बैड लक माना जाता है, पर मुझे तो ये काफ़ी क्यूट लगे। और ये अपने शिकार को ढूंढने के लिए एक सोनिक बूम नाम की टेक्निक का यूज करता है। नंबर 4 पर आ जाता है नारवॉल। नहीं, ये कोई बलुगा वेल नहीं है जिसे सींग लगा दिया गया हो, ये एक प्रकार की वेल है और इस वेल का नाम है नारवॉल और वो दुनिया की सबसे छोटी वेल्स में से एक है। नारवॉल साइज में ज़्यादा बड़े तो नहीं होते, आप देख सकते हैं इंसान के सामने। ये अजीब दिखते हैं काफ़ी क्योंकि इनके रंग और सींग की वजह से, इसलिए काफ़ी सारे लोग ने कहा कि ये क्या चीज़ है। आपने इसके बारे में सुना होगा लेकिन कुछ लोग सोचते हैं कि ये विलुप्त हो गया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ये विलुप्त नहीं हुआ। नंबर 3 पर आ जाता है मलयालम टिपर। टिपर को आप देखिए ध्यान से, असल ये किसी सुअर जैसा लगेगा और ये बात सच भी है। इनकी कई प्रजातियाँ होती है जैसे कि साउथ अमेरिकन टापिर, माउंटेन टापिर, बेयर टापिर और मलयालम टापिर, जो सबसे बड़ी प्रजाति होती है मलयालम टापिर। और आप देख सकते हैं इनकी चारों प्रजातियों को जिसमें मलयालम टापिर सबसे बड़े हैं और माउंटेन टापिर सबसे छोटे हैं। टापिर तो देखने में बहुत अजीब से ही लगते हैं। असल में टापिर दरअसल घोड़े और गेंडे से सबसे ज़्यादा बिलोंग करते हैं। हाँ, भले लोगों को लगे कि ये सुअर से बिलोंग करते हैं लेकिन ऐसा नहीं है। हाँ, और कुछ लोग बोलेंगे कि हिप्पो की तरह भी काफ़ी हद तक दिखते हैं। अगर इनके कलर की बात करें तो बच्चे तो अलग लेकिन बड़े ब्लैक एंड वाइट होते हैं। नंबर 2 पर आ जाती है एलिगेटर लिजार्ड। एलिगेटर लिजार्ड कुछ इस तरह की दिखती है। हाँ, ऐसे एलिगेटर लिजार्ड नाम इसलिए है क्योंकि एलिगेटर और लिजार्ड का मिक्सचर लगती है। पूछ एकदम लिजार्ड की तरह और स्केल्स बिल्कुल एलिगेटर की तरह और शेप भी लिजार्ड की तरह। इनके बच्चे ग्रीन होते हैं जबकि एडल्ट ब्लू के साथ साथ और भी कुछ कलर्स में पाए जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल येलो और कुछ कुछ बड़े वाले भी ग्रीन हो जाते हैं। एलिगेटर लिजार्ड देखने में कुछ ज़्यादा ही सुंदर होती है। हाँ, भले ये काफ़ी हद तक इगुआना जैसे दिखती है लेकिन ये वो होती नहीं है। हाँ, थोड़े बहुत ब्लॉग ज़रूर करती है। इनके स्केल्स मजबूत होते हैं। इनकी जीभ नॉर्मल लिजार्ड की तरह ही काफ़ी बड़ी होती है लेकिन इनके बारे में कुछ हज़ार लोग ही शायद जानते हैं। तो नंबर 1 पर आ जाता है ब्लैक रेन फ्रॉग। नॉर्मल फ्रॉग कुछ ऐसे दिखते हैं। हाँ, बहुत से लोगों ने देखे भी होंगे, कई सारे तो काफ़ी सुंदर दिखते हैं जैसे कि ये, पर हम जो आपको दिखाने वाले कुछ ऐसा दिखता है। नहीं नहीं, हमने किसी काले फ्रॉग का मुंह अंदर नहीं घुसा दिया, असल में ये एक प्रजाति है फ्रॉग की जिसे कहते हैं ब्लैक रेन फ्रॉग। ये काफ़ी कमाल के दिखते हैं देखने में और कुछ लोग तो इन्हें देखकर ऐसा सोचते होंगे कि ये नकली है लेकिन ये असली है। तो इसी तरह के कमाल के जानवर के बारे में जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल VRS एनिमल वीडियोस को, लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। तो आज के इस वीडियो का दी एंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।